दोस्तों स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं साउंड लेवल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए बीटी बोर्ड जो कि दो तरह के हैं, एक आईसी बेस्ड है और एक ट्रांजिस्टर बेस्ड है। जो आईसी बेस्ड है दोस्तों इसमें 5532 आईसी का यूज किया गया है जिसका नंबर NE5532 है जो कि एक ओप एम्प आईसी है। इसमें आपको बेस मिड ट्रेवल देखने को मिलती है और दोस्तों ये इसका मास्टर वॉल्यूम है जो कि इसमें सोल्डिंग नहीं किया गया है। दोस्तों मास्टर वॉल्यूम को इसलिए अलग रखा गया है कि आपकी कैबिनेट में बेस ट्रेवल मिड का तो आपको होल एक ही जगह मिल जाएंगे लेकिन जो मास्टर वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट अलग ही मिलेगा, तो इसीलिए इसको पोटेंशियल मीटर को अलग रखा गया है जिससे कि आप मास्टर वॉल्यूम में अपने कहीं भी फिट कर सकते हैं इसको, जिसमें कि आप जब भी आप बोर्ड परचेज करेंगे तो आप हमसे किसी भी सॉफ्टवेयर का वॉल्यूम ले सकते हैं पोटेंशियल मीटर और जो आप वैल्यू चाहेंगे वो मिल जाएगी। वैसे मास्टर वॉल्यूम में A10 के यूज होता है, आप चाहेंगे B10 के वो भी आपको मिल जाएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी कनेक्शन की अगर बात करें तो सबसे खास बात इस बोर्ड की यह है कि आप इसको 5555 से डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, आपको इसमें अलग से सेपरेट पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। 12012 या 15015 इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर 5555 देंगे और ये बोर्ड उसी पावर सप्लाई से ऑपरेट हो जाएगा जिससे कि आपका मेन एम्पलीफायर चल रहा है। पहला वाला 55 प्लस है, दूसरा 55 माइनस है और तीसरा ये ग्राउंड है। और इसको आप दोस्तों 12012 से भी चलाना चाहें 15015 से भी चल जाएगा, आपको ये दो रेजिस्टेंस निकाल देनी है। इसकी जगह आप कोई जम्पर यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ पर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जीनर डायोड लगाए गए हैं 15 वोल्ट के, तो आप 15 वोल्ट से ज़्यादा की पावर सप्लाई इसमें ना लगाएं क्योंकि ये ओप एम्प जो है 12012 से 15015 पर वर्क करती है। आप इससे एक हाई क्वालिटी लेना चाहते हैं तो इसको 15015 पर ही रन करें जो कि आपको ये बहुत ही अच्छा ट्यून देगी। इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी सॉफ्ट है। और दूसरा जो बोर्ड है दोस्तों ये हमारा ये स्टेंजर PVT501 का है, लेकिन अदर एम्पलीफायर में भी आप लगाना चाहें किसी भी एम्पलीफायर में तो लगा सकते हैं। इस पर जो वॉल्यूम टोन लगाए गए हैं दोस्तों जो B100 के है और इसमें बेस मिड ट्रेवल है आपको देखने को मिलता है और एक ये स्विच है जिससे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं हॉर्न और हॉर्न स्पीकर बॉक्स। ये इसका लो कट होता है, लो कट करने के लिए ये स्विच लगाया गया है। और दोस्तों इसकी जो ऑपरेटिंग है वो 12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। ये इसका बीच वाला दोस्तों ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है और ये इसका ऑडियो इन है, यहाँ पर आप इसका ऑडियो इन करेंगे और दोस्तों आपको आउट इधर यहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों इसका जो मास्टर वॉल्यूम है वो अलग ही लगेगा, बाहर ही माउंट करना होता है इसका, जैसे कि आपने देखा होगा कि बोर्ड एम्पलीफायर में मास्टर वॉल्यूम बराबर में ही लगा होता है। यहाँ से आपको इसका ऑडियो मिल जाएगा, मास्टर वॉल्यूम आप यहाँ से लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं CDIL के ट्रांजिस्टर हैं जिसका क्या नंबर है 548 इसका ट्रांजिस्टर का नंबर है दोस्तों। दोस्तों बोर्ड परचेज करने के लिए आप ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बाय कोरियर आपको भेज दिया जाएगा, आप जितने बोर्ड का ऑर्डर देना चाहें दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में शॉप का एड्रेस भी दिया गया है, आप शॉप से लेना चाहें शॉप से भी हमारी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।